नमस्कार एंड हेलो, आप देख रहे हैं फिल्मी खबरों से जुड़ा हमारा खास शो बॉलीवुड गपशप। मैं हूं काजोल नारायण। तो चलिए करते हैं बॉलीवुड गपशप की शुरुआत। वरुण धवन, कियारा अडवाणी, नीतू कपूर, अनिल कपूर बीते दो हफ्तों से अपनी फिल्म का प्रमोशन करते नजर आ रहे हैं। जल्द ही ये फिल्म 24 जून को सिनेमाघरों में दस्तक दे देगी। ऐसे में वरुण धवन अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए नए नए आइडियाज निकाल रहे हैं। हाल ही में शेयर की गई वीडियो में वरुण धवन सच्चे आशिकों से सवाल पूछते नजर आ रहे हैं और शेर और शायरी कर सोशल मीडिया पर अपना दबदबा दिखाते दिख रहे हैं। शेयर की गई लेटेस्ट वीडियो में वरुण धवन ने शेर और शायरी कर आशिकों से प्रूफ मांगा। ये प्रूफ किस बात के लिए मांगा है वो हम आपको आगे चलकर जरूर बताएंगे। इस वीडियो को शेयर करते हुए वरुण धवन ने कैप्शन में लिखा है कि हमको ये शायरी बहुत अच्छी लगती है, जिस पर भी ये अत्याचार हुआ हो आप जुग जुग जियो। इस वीडियो में वरुण धवन बोलते नजर आ रहे हैं कि 24 घंटे जिसके इश्क में आंख मशरूफ है, क्या वो सिर्फ आपकी है, इसका कोई प्रूफ है। बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान इंडस्ट्री में कदम रखने जा रही हैं। सुहाना के डेब्यू का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और अब उनका इंतजार खत्म होने जा रहा है। सुहाना की डेब्यू फिल्म द आर्चीज का टीजर शेयर किया गया। द आर्चीज में सुहाना के साथ खुशी कपूर और अगस्त्य नंदा डेब्यू करने जा रहे हैं। बेटी सुहाना के डेब्यू पर शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने सुहाना को शुभकामनाएं दी। शाहरुख खान का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। शाहरुख खान ने द आर्चीज का पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, और याद रखना सुहाना, आप कभी परफेक्ट नहीं होने वाली हो, लेकिन जैसी आप हो वैसा रहना इसके करीब ले जाता है। दयालु बनो और एक एक्टर के रूप में देना। ईंट पत्थर और तालियां आपको रखना नहीं है। आपको जो हिस्सा पर्दे पर पीछे छूट आता है वो हमेशा आपका होगा। अब एक लंबा सफर तय कर चुकी हो, लेकिन लोगों के दिलों तक पहुंचने का रास्ता कभी खत्म नहीं होता है। आगे बढ़ो और जितना हो सके मुस्कुराओ। अब लाइट होगी, कैमरा और एक्शन। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के डांस के लाखों दीवाने हैं। उनके गानों का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं। अपने लटकों और झटकों से भी सपना फैंस को रिझाती हैं। सोशल मीडिया पर भी सपना का जलवा बरकरार है। कुछ दिन पहले ही सपना ने अपना एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो स्टेज पर हरियाणवी गाने पर डांस परफॉर्मेंस देती नजर आ रही हैं। सपना चौधरी के ठुमके पर इस महफिल में जमकर तालियां और सीटियों की आवाज गूंजती सुनाई दे रही है। बिग बॉस के बाद से ही सपना की जो फैंस लिस्ट है वो काफी लंबी हो गई है। वहीं सोशल मीडिया पर भी सपना चौधरी की पोस्ट का फैंस बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। सपना भी अपने चाहने वालों को कभी निराश नहीं करती हैं। वो आए दिन इंस्टाग्राम पर अपनी फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं। नौरा फतेही आज इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। बॉलीवुड अपने हुनर से वो अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं, लेकिन नौरा बचपन से ही बॉलीवुड की दीवानी रह चुकी हैं। जी हाँ, एक इंटरव्यू में नौरा ने बताया था कि वो बचपन से ही बॉलीवुड को पसंद करती हैं और बचपन में उनके क्रश थे ऋतिक रोशन। नौरा फतेही ने एक इंटरव्यू में बताया था कि बचपन में ऋतिक रोशन उनके क्रश थे, वो उनकी फैन थी, खास तौर से उनके डांस की। वहीं नौरा आज भी चाहती हैं कि वो ऋतिक रोशन के साथ काम करें, लेकिन फिलहाल अब तक उन्हें ये मौका नहीं मिला है। वहीं क्या आप जानते हैं कि नौरा फतेही ने कंगना की सुपरहिट फिल्म क्वीन को 10 से ज्यादा बार देखा है? जी हाँ, उन्हें ये फिल्म इतनी पसंद थी कि इसे उन्होंने 10 से ज्यादा बार देखा था। मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ के पति पंजाबी सिंगर रोहनप्रीत सिंह के होटल के कमरे से कई महंगी चीजें चोरी हो गई। रोहनप्रीत सिंह हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक होटल में ठहरे हुए थे, जहां से उनका आईफोन, स्मार्ट वॉच, हीरे की अंगूठी और नकदी चोरी हो गई है। मंडी की SP शालिनी अग्निहोत्री ने कहा कि इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और जाँच की जा रही है। दरअसल नेहा कक्कड़ के पति रोहनप्रीत मंडी के एक बड़े होटल में ठहरे हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शुक्रवार रात वो जब सोए तो सभी चीजें थी, लेकिन जब शनिवार को सुबह उठे तो होटल के कमरे में टेबल पर रखी चीजें गायब थी। इसके बाद रोहनप्रीत ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस इस मामले में तहकीकात कर रही है और होटल के स्टाफ से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा पुलिस होटल में लगे CCTV कैमरों को भी खंगाल रख रही है। इसके साथ ही पुलिस होटल में लगे CCTV कैमरों को भी खंगाल रही है। तो ऐसी मजेदार फिल्मी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहिए बॉलीवुड गपशप।